अभी वो नॉकआउट हो जाएंगे और हो सकता है यहाँ पे गॉडलाइक एंड न्यूमा के प्लेयर्स भी काफी नॉकआउट हुए। फाइनली एक नेट कनेक्ट हुआ, क्रॉन्टन ने नॉकआउट कर दिया है भीष्मा को और अब ये बारी हो सकती है कि वो शायद अभी पुश करे। फिर आती है हमारी टीम गॉडलाइक। गॉडलाइक हमेशा की तरह पुचिंग की जा रही है और ये मतलब उनका स्टैंडर्ड ड्रॉप जोन है। युमुम्बा गाटका की तरफ जा रही है तो थोड़ी देर में देखेंगे कि लूट कैसे चलती है। और गॉडल की अगर हम बात करें तो उन्हें देखिए पुचिंग में आराम से घर बनाकर बैठे एकदम स्प्रेड होके, ना इनको कोई डर है ना ही कोई एक्सपेक्टेशंस के आजू बाजू कोई होगा। ऑफकोर्स उन्होंने स्पॉट भी किया होगा लेकिन पूरा पुचिंग की अगर आप कवर कर लेते हो तो इससे बड़ी चीज नहीं हो सकती। तो शाम पे हाँ, लेकिन ऑब्वियसली वो लोग अलग टीम्स में हैं इस बार, इन दो इन रियल लाइफ दे आर प्रोबब्ली क्लोज टू ईच अदर। गॉडलाइक गिल ने भी सोल के रिकॉर्ड को मारा है और यहाँ पे थ्री वे बैटल होने वाली है। गॉडलाइक वर्सेस टीम सोल की बैटल शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में। लेकिन नहीं, सोल के प्लेयर्स जस्ट गाड़ी में से ड्राइव बाय करके निकल गए यहाँ से। क्या गॉडलाइक उन्हें चेस करेगी? रेगल्टोस नॉक हो चुके हैं, मॉर्टल काफी दूर है, मॉर्टल उन्हें बचाने तो नहीं आ सकते, तो आई थिंक रेगल्टोस यहीं पे खत्म हो जाएंगे। ओ मॉर्टल को हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, क्लच गॉड ने मॉर्टल को नॉकआउट कर दिया और फिनिश ऑफ भी कर दिया जोनाथन ने। अरे वाह, तो पूरी ही सोल अभी प्रॉब्लम में है, रेगल्टोस मॉर्टल दोनों आउट। You mean mortal toxic problem है यहाँ पे और गिल आने की कोशिश कर रहे हैं तो सारी टीम इसको पिकअप करेंगे एंड जल्दी कोशिश भी करेंगे कि एक एंगेजमेंट भी ले ले। लेकिन क्रॉन्टन की बात करें तो अभी भी स्काउट करने की कोशिश करें, देख रहे आजू बाजू उनको शायद कोई स्पॉट हो जाए, एक प्लेयर है नजदीक तो बड़ा ही फ्री विलिंग से मैच खेल रहे यहाँ पे। और एंटो की बात करें थे तो M1 लेके खड़े तो है लेकिन एंगेज नहीं कर पा रहे, उनको स्पॉट भी किया हुआ है लेकिन कैसे करें एंगेज, क्योंकि जैसी गोली चलेगी उनके सामने चार गन्स पॉइंट हो जाएंगी एंड बैकअप आते आते थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। नॉट श्योर व्हाट दैट मिक्सचर टीम इज कॉल्ड, लेकिन मजा आएगा क्योंकि काफी सारे प्लेयर्स होता ना, प्लेयर्स को एक दूसरे साथ खेलने के बाद सिनर्जी बन जाती है, बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला। लेकिन यहाँ पे हमें फाइट देखने मिल सकती है सेकंड जोन में। अब देखिए इतनी सारी टीम आजू बाजू में, चार टीम सिचुएशन रिवील हो चुकी है। यहाँ पे बैक फॉर मर्सी कोशिश कर रहे पूरी SKS लेके कि शायद देखा गोली कनेक्ट हो जाए। पानसिंह की बात करें, गाड़ी खुले में छोड़ के उतर गए और उन्होंने डैमेज भी लिया है तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। एग्जिस्टेंस नेड खोलने की कोशिश, जाएगी नेड उनकी लेकिन क्या फटेगी नेड, सवाल ये है यहाँ पे क्या उनको डैमेज मिलेगा कोई। पानसिंह की आजू बाजू नेड से गिर रही है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज हो रही है यहाँ पे। उन्होंने एक और नेड डाली एग्जिस्टेंस के बाजू में लेकिन थोड़ा सा दूर फटी एंड पानसिंह की जो गाड़ी है उनको उन्हें बचाना पड़ेगा क्योंकि अगर गाड़ी फट गई तो निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है। पानसिंह अपने आप को हील करते हैं और नेड्स बहुत ही ज्यादा एक्सचेंज हो रही है, इट्स लाइक उनको गोलियां नहीं चलेने, उनको खाली नेड्स करने एंड एग्जिस्टेंस के आजूबाजू दो नेड्स फटने वाले हैं यहां पे। लेकिन अभी भी कैसे तो सर्वाइव कर रहे हैं, इट्स लाइक इज अवॉइडिंग लैंडमाइंस एंड स्मोक आए एंड एग्जिस्टेंस एक और नेड डाल दो, क्या नेड किसी को डैमेज देगी, सवाल ये बनता है। एंड इन द मीन टाइम हम देखें तो ओवेस फिनिश हो चुके हैं। या ओवेस काफी अच्छा पुश किया था उन लोग ने, हमने अभी अभी उनको हमारे स्क्रीन पे देखा थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी वो नॉकआउट हो जाएंगे और हो सकता है यहाँ पे गॉडलाइक एंड न्यूमा के प्लेयर्स भी काफी नॉकआउट हुए। फाइनली एक नेड कनेक्ट हुआ, क्रॉन्टन ने नॉकआउट कर दिया है भीष्मा को और अब ये बारी हो सकती है कि वो शायद अभी पुश करे। परफेक्ट टाइमिंग है पुश करने के लिए। गॉडलाइक गिल पीछे से उनको कवर दे रहे हैं अपने टीममेट्स को, स्मोकी खुद को हील कर रहे हैं, एक छोटा सा टाइम गैप मिला है एक दूसरे को रिवाइव करने का और हील करने का। एंड बिकॉज गॉडलाइक ने अभी पुश नहीं किया, हो सकता है कि युमुम्बा ने भी अपने प्लेयर्स को रिवाइव कर लिया हो। देख लीजिए भीष्मा और डेस्ट्रो दोनों ही काफी लोग एक दूसरे को रिवाइव कर रहे हैं। पानसिंह स्नेक बन के आगे है एकदम, तो वो सबसे पहले पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि गॉडलाइक टीम युमुम्बा को गेट कीप कर रही है, गॉडलाइक ऑलरेडी जोन के अंदर है और युमुम्बा को उनको फेस करना ही पड़ेगा अंदर आने के लिए। गिल ने फाइनली 420 ओपी को नॉकआउट कर दिया। ये क्या मैं देख रहा हूँ, फ्रैंकी ने खुद के टीममेट को डेट कर दिया है, ये क्या हुआ? शायद गलती से किया होगा क्योंकि यहाँ पे स्मोकी कोशिश कर रहे हैं कि एक स्प्रे खोल दे 4x के साथ, क्या उनको किल मिलेगा, सवाल ये बनता है। क्रॉन्टन की नेट से एक और प्लेयर नॉकेंगे, एश और स्कॉट, और एश देखिए एश ने स्कॉट को फिनिश कर दिया, डेस्टो भी फिनिश हो चुके हैं स्मोकी ओपी के द्वारा एंड गॉडल गिल और जब तक हम ये फाइट देख रहे थे वहां बैकग्राउंड में टीम INS ने Fnatic को एलिमिनेट किया। आप TSM/ATT की बात करें तो ब्लूज उनके एज पे खेल रहे, उनको जब अंदर जाना हुआ उनके पास बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी कवर नहीं है। हाँ, ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेकिन जोन आया है टीम गॉडलाइक के ऊपर, स्मोकी
और उनके एक टीममेट जो जिंदा है टीम गॉडलाइक से वो है गिल, उन दोनों को बहुत ही ज्यादा एडवांटेज है, कवर नहीं है उनके पास, लेकिन सारी ही टीम को उनके तरफ पुश करके आना पड़ेगा। आई थिंक द फर्स्ट टीम दैट दे विल फेस इज टीएसएम एंटिटी, क्योंकि वो लोग स्मोक्स ऑलरेडी यूज करके पुश करना शुरू कर चुके हैं। टीएसएम एंटिटी के खिलाफ गॉडलाइक सर्वाइव कर पाती है तो हो सकता है गॉडलाइक पूरा का पूरा गेम जीत जाए। जी गॉड जोन के बाहर निकल के गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, उनने गाड़ी जोन के अंदर ले आई, मतलब अभी टीएसएम के पास भी एक सॉलिड कवर है। जोनाथन ने गिल को नॉकआउट कर दिया और नेट से फिनिश ऑफ भी कर दिया है, स्मोकी अकेले बचे हुए हैं। नियो आगे बढ़ रहे हैं स्मोक का कवर लेते हुए, उनके सामने सिर्फ एक अपोनेंट है। तब तक आईएनएसबी छुपके से अंदर आने की कोशिश कर रही है क्योंकि उन्हें मालूम है उनके ऊपर अभी कोई प्रेशर नहीं रहेगा। स्मोकी को यह कैसे ना कैसे करके सर्वाइव करना है और नहीं, वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। जोनाथन ने उन्हें फिर से नॉकआउट कर दिया, गॉडलाइक एलिमिनेटेड और अभी सबसे बेस्ट पोजीशन इन द गेम है टीएसएम के पास।